नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 28 अप्रैल, दिन शुक्रवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीजेपी में शामिल हुए अजय आलोक, सीएम नीतीश को लेकर कहा ये। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नाराज होकर जलाया उनका पुतला। आनंद मोहन की रिहाई पर बीजेपी के दलित नेता ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। बीजेपी विधायक ने सोनिया गांधी को बताया विषकन्या। आनंद मोहन के बेटे ने चिराग पासवान को 1998 की दोस्ती का बताया इतिहास। अब चलिए बढ़ते हैं प्रदेश और देश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। बीजेपी में शामिल हुए अजय आलोक, सीएम नीतीश को लेकर कहा ये। जेडीयू के पूर्व प्रवक्ता अजय आलोक आज बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बता दें कि अजय आलोक पिछले 10 महीने से अपने लिए नए ठिकाने की तलाश में लगे हुए थे, वहीं आज वे बीजेपी में शामिल हो गए। मालूम हो कि बीते साल जून में अजय आलोक सहित 4 नेताओं को पार्टी विरोध गतिविधियों के कारण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के द्वारा उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया था। बता दें कि अजय आलोक न्यूज चैनलों के डिबेट कार्यक्रम में कई बार पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर शामिल होते रहते हैं। उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिल्ली मुख्यालय में आयोजित भव्य मिलन समारोह में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा दिलवाई गई है। वहीं इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश को लेकर कहा कि आप जो उन्हें पलटीमार बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं। इसी पलटीमार आदत की वजह से आज 87 साल बाद जेल मैनुअल में संशोधन कर आनंद मोहन की रिहाई हुई है। पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम पहुंची सत्यपाल मलिक के आवास पर। जम्मू कश्मीर में कथित बीमा घोटाले को लेकर आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई की टीम के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से उनके आवास राष्ट्रीय राजधानी के आरके पूरम इलाके में उनके सोम विहार आवास पर पूछताछ के लिए गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 7 महीने में यह दूसरी बार है जब विभिन्न राज्यों के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक से सीबीआई के द्वारा पूछताछ की जा रही है। वहीं सीबीआई के द्वारा पूछताछ के लिए ताजा नोटिस दिए जाने के बाद सत्यपाल मलिक के द्वारा ट्वीट कर कहा गया कि मैंने सच बोलकर कुछ लोगों के पाप उजागर किए हैं, हो सकता है इसलिए मुझे बुलाया गया हो। मैं किसान का बेटा हूं, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं सच के साथ खड़ा हूं। मालूम हो कि मलिक के द्वारा दावा किया गया था कि 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 के बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहने के दौरान उन्हें 2 फाइलों का मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत पेश की गई थी। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नाराज होकर जलाया उनका पुतला। मुजफ्फरपुर जिले के बखड़ी चौक पर राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुजफ्फरपुर राजद के जिलाध्यक्ष के पद पर पुनः रमेश गुप्ता को बनाए जाने के विरोध में अपने ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का पुतला जलाकर अपना आक्रोश दिखाया गया है। वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं का कहना है कि मुजफ्फरपुर राजद के जिलाध्यक्ष के रूप में गलत व्यक्ति को मनोनीत किया गया है, इसलिए इस फैसले पर एक बार फिर से विचार किया जाना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अभी पार्टी के प्रमुख की ओर से जो फैसला लिया गया है उससे 2024 के लोकसभा चुनाव और 25 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बीजेपी के साथ हाथ मिलाने को लेकर संजय राउत का बयान। संजय राउत के द्वारा एबीपी से खास बातचीत के दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या अब वह बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे, इस पर उन्होंने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी के साथ मामला खत्म है, ये हमारी तरफ से नहीं उनकी तरफ से हुआ है, तो हमको भी स्वाभिमान है, हम वापस उनके दरवाजे पर नहीं जाएंगे और ना ही उनको हमारे दरवाजे पर आने देंगे। जो होगा देखा जाएगा, बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है। बीजेपी ने जिस तरह से हमारी पार्टी को तोड़ा वो हम मानते हैं, लेकिन जिस तरह से हमारी पार्टी का नाम और चुनावी निशान भी छीन लिया, ये तो बदले की भावना से किया गया है। इतना बदला लेना चाहते हो और क्यों? इसके साथ उन्होंने बीजेपी से गुस्से की वजह से जुड़े सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि बिल्कुल है, जिस प्रकार मुझे एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं पर झूठी कार्रवाई कर रहे हैं, आप पार्टी बदलो, चुप बैठो, नहीं तो जेल जाओ वाली राजनीति कर रही है बीजेपी। बागेश्वर धाम के बाबा को तेज प्रताप का अल्टीमेटम। 13 मई को बिहार की राजधानी पटना में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन होने वाला है। बता दें कि इस दौरान वे 13 मई से लेकर 17 मई तक लोगों को कथा सुनाने वाले हैं, लेकिन उनके आगमन से पहले ही बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव के द्वारा उन्हें अल्टीमेटम दे दिया गया है। दरअसल उन्होंने बीते दिन मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ लोगों के बीच हिंदू मुस्लिम के नाम से लड़वाने आ रहे हैं तो उनके मेरे द्वारा जरूर विरोध किया जाएगा। तेज प्रताप यादव ने कहा कि वे बागेश्वर धाम के बाबा का एयरपोर्ट पर घेराव करेंगे, लेकिन हाँ, वह अगर यहाँ भाईचारे का संदेश देने आ रहे हैं तो यह बताने आ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है।
राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्हें किसी के द्वारा एक मिठाई की दुकान पर पत्र लिखकर जान से मारने और इंदौर में बम धमाके करने की धमकी दी गई थी। बता दें कि धमकी देने वाले व्यक्ति को अब मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए इस व्यक्ति की पहचान दया सिंह उर्फ प्यारे सिंह के रूप में की गई है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि इस व्यक्ति की उम्र 60 साल की है और वह बैतूल के पंजाबी मोहल्ला राजेंद्र नगर का रहने वाला है। बता दें कि दया सिंह को रासुका के ठाट क्राइम ब्रांच के द्वारा उज्जैन से गिरफ्तार किया गया है। मालूम हो कि रासुका के ठाट वारंट जारी होने के बाद यह फरार चल रहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धमकी देने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वह जमानत पर छूट गया था। लेकिन अब उसे एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आनंद मोहन की रिहाई पर बीजेपी के दलित नेता ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। बीते दिन बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन की जेल से रिहाई हो गई है, लेकिन उनके रिहाई को लेकर बिहार सरकार के द्वारा किए गए फैसले का लगातार विरोध चल रहा है। वहीं अब बीजेपी के दलित नेता इस मामले को लेकर सरकार से आर पार की लड़ाई करने को लेकर पूरे मूड में आ गए हैं। बता दें कि पार्टी के तमाम दलित नेता के द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है और लगातार उनके द्वारा लिए गए फैसले की तीखी आलोचना की जा रही है। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी चौधरी के द्वारा कहा गया है कि बिहार सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है वो पूरे दलित विरोधी है। दलित के द्वारा सरकार के इस फैसले को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के अलावा कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है। बीजेपी की जीत को लेकर केंद्रीय मंत्री का दावा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में इससे पहले कर्नाटक चुनाव प्रबंधन समिति की संयोजक और केंद्रीय मंत्री के द्वारा बीजेपी की जीत और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश सट्टार और पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी पर निशाना साधते हुए यह दावा किया गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जगदीश सट्टार और लक्ष्मण सावदी की हार पक्की है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में अधिकांश सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी और अपने दम पर सत्ता में आएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के द्वारा ही जगदीश सट्टार और लक्ष्मण सावदी को सशक्त नेता बनाया गया था, लेकिन बाद में वे कांग्रेस में चले गए थे और हारने के बाद भी सावदी उप मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि इस बार जगदीश सट्टार और लक्ष्मण सावदी की सीट पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। आनंद मोहन के बेटे ने चिराग पासवान को 1998 की दोस्ती का बताया इतिहास। एक तरफ जहां बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर जमुई के सांसद चिराग पासवान के द्वारा आनंद मोहन की रिहाई पर जताई गई नाराजगी को लेकर आनंद मोहन के बेटे आनंद के द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की गई है। बता दें कि यह तस्वीर 1998 की है, जिसमें बिहार पीपुल्स पार्टी के बैनर के सामने एक मंच पर आनंद मोहन और रामविलास पासवान एक साथ बैठे नजर आ रहे हैं और साथ ही उनके साथ तत्कालीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नंदकिशोर यादव भी उनके साथ बैठे नजर आ रहे हैं। वहीं इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि 1998 की ये तस्वीर कुछ लोगों के लिए इतिहास का पाठ है। लोजपा आर के आर फॉर श्री रामविलास जी पिताजी के साथ कुछ गलत बोलने से पहले आप अपने पिताजी और हमारे पिताजी की दोस्ती का इतिहास जरूर जानिए। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की उद्धव ठाकरे गुट के खिलाफ याचिका। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के खिलाफ उनके पास मौजूद सभी संपत्ति एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की गई। बता दें कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई करते हुए इस मामले को खारिज कर दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि याचिका आशीष गिरी नाम के वकील के द्वारा दाखिल करवाई गई थी। वहीं इस मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा इस मामले को खारिज करते हुए कुछ सवाल भी पूछे गए। उन्होंने पूछा कि यह किस तरह की याचिका है और आप कौन है। उन्होंने कहा कि आपकी याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। चिराग पासवान का सीएम नीतीश पर हमला। बीते दिन बिहार के समस्तीपुर में सांसद चिराग पासवान के द्वारा एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री का कहना है कि बिहार में उद्योग का धंधा नहीं आ सकता क्योंकि यहां के भूगोल में दोष है, लेकिन यहां के भूगोल में कोई कमी नहीं है बल्कि सीएम नीतीश की नीयत में खोट है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि बिहार के लोगों को रोजगार मिले, शिक्षा उद्योग में काम धंधा मिले। मुख्यमंत्री को चिराग पासवान से इतनी नफरत क्यों है? क्या वे सभी मिलकर मुझे खत्म करना चाहते? उन्होंने कहा कि मैं बिहार के विकास, महिलाओं के विकास, बिहार के लोगों के अधिकार और बिहार के गंभीर मुद्दों पर बात करता हूं और नीतीश कुमार मुझे खत्म करना चाहते हैं। भड़के सुरजेवाला ने की पीएम मोदी से सार्वजनिक माफी की मांग। कांग्रेस के दिग्गज नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के द्वारा बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा गया कि बीजेपी और उसके नेताओं के द्वारा कर्नाटक में अपना मानसिक संतुलन खो दिया गया है। बीजेपी की टीम अंदर से हताश है और गंदगी और कूड़ा फैला रही है। उन्हें मर्यादा, राजनीतिक संतुलन और यहां तक कि शालीनता और शिष्टाचार का भी रत्ती भर ख्याल नहीं रखा है। सोनिया गांधी को विश्वकन्या और चीन पाकिस्तान का एजेंट बताकर वह सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नेहरू गांधी परिवार
परिवार को गाली देने का पेशा बना लिया गया है। इससे पहले खुद पीएम मोदी ने सोनिया गांधी को कांग्रेस का विधवा बोला था और साथ ही जर्सी गाय कहने जैसे गंदी भाषा का भी इस्तेमाल किया था। अश्विनी चौबे का राज्य सरकार पर तीखा प्रहार। केंद्रीय मंत्री सह बक्सर सांसद अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा बिहार के बक्सर में एक बार फिर से राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया गया। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश से बिहार नहीं संभल रहा है, लेकिन वे देश संभालने की बात कर रहे हैं और इसी को लेकर इन दिनों वे बंगाल से लेकर दिल्ली तक यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जनता ऐसे लोगों को कभी स्वीकार नहीं करेगी जो अपराधियों, आतंकवादियों और बाहुबलियों के लिए किसी भी प्रकार का कदम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के द्वारा 40 सीटों पर जीत हासिल की जाएगी और फिर उसके बाद महागठबंधन की सरकार बंगाल की खाड़ी और नेपाल की तराई में छिप जाएगी। उन्होंने कहा कस्बा केंद्र में बीजेपी की 350 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। बीजेपी विधायक ने सोनिया गांधी को बताया विश्वकन्या। जैसे जैसे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा पीएम मोदी को जहरीला सांप कह दिया गया था, ठीक वैसे ही अब बीजेपी विधायक के द्वारा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को विश्वकन्या कह दिया गया है। दरअसल यतनाल के कोप्पल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीला सांप वाले बयान का पलटवार करते हुए कहा गया कि अब खड़गे पीएम मोदी की तुलना जहरीले सांप से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वह जहर उगलेंगे, लेकिन जिस पार्टी में आप नाच रहे हैं कि सोनिया गांधी विश्वकन्या है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चीन और पाकिस्तान के लिए सोनिया गांधी एजेंट के रूप में काम की है। वहीं अब बीजेपी की तरफ से दिए गए इस विवादित बयान पर कांग्रेस के द्वारा एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है। लालू यादव के पटना आने को लेकर अश्विनी चौबे की प्रतिक्रिया। आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लगभग 9 महीने बाद बिहार की राजधानी पटना आ चुके हैं। वहीं उनके आने को लेकर केंद्रीय मंत्री सह बक्सर सांसद अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने कहा कि लालू यादव के आने या न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि लालू तो जेल जाते हैं छूटते हैं, अस्पताल जाते हैं छूटते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका यहाँ घर है तो आएंगे ही। उन्होंने कहा कि उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जानकारी के लिए बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार लालू यादव को डॉक्टरों की ओर से हरी झंडी दे दी गई है, इसी वजह से वह दिल्ली से पटना वापस लौटे हैं। फिलहाल आज के राजनीति से जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन व्यूवर्स द्वारा हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है मोहम्मद सकीर हुसैन, रविशंकर, अनवर करीम खान, सुरेश ओरम, रविंद्र कुमार और श्वेता रॉय। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार क्या 2024 लोकसभा चुनाव में अश्विनी चौबे के कहे अनुसार बीजेपी 40 सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।